आज की रेसिपी तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को अपनी फैमिली को जरूर जरूर तैयार करके दें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैं इसके साथ रोटी तैयार करूंगी। आप इसके साथ नान भी इस्तेमाल कर सकते हो, खमीरी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारी आज की रेसिपी। मेरा चैनल देखने वाले वर्ल्ड ब्यूटीफुल वीडियो MHC, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके जायकों में, आपके खानों में बरकत दे, जजाक अल्लाह। अब मैं इसके साथ रोटी तैयार करती हूँ। देखें, आप भी इसी तरीके से रेसिपी तैयार करोगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनेगी। 1 kg हमने चिकन लेना है। इसके बाद अब मैं इसके अंदर 2 से 3 अदर प्याज का इस्तेमाल करूँगी। दरमियाने साइज में कटिंग की है। इसके बाद इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल करना है। 3 अदर टमाटर है, टमाटर की भी इस तरीके से कटिंग करनी है। अब मैंने इसके अंदर पानी डालना है, तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच रेड मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और कसूरी मेथी पाउडर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। लहसुन और अदरक मिक्स पेस्ट है। इसके अंदर अब मैं डालूंगी तकरीबन आधे कप के करीब मैंने ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, फुल हाई फ्लेम कर दें। अब मैं इसको तकरीबन 3 मिनट तक इसको कवर करती हूँ भाप आने तक, इसको नरम होएगा। मैं चूल्हा नॉर्मल करना है। अब मैं इसका देखूंगी कवर उठा के, मैंने अभी इसको एक मरतबा भी मिक्स नहीं किया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जैसे मैंने सभी चीज़ें ऐड की थी, मैंने वैसे ही कवर कर दिया था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बन रहा है, खुशबू भी आने लग गई है। और ये जो टमाटर है इसको अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, ये इसका ही पेस्ट बनेगा। और इसने पानी छोड़ना, इसी में ये चिकन अच्छे तरीके से गलेगा। मैं अभी इसको कवर करती हूँ। अब मैं इसको देखती हूँ, माशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ। देखिए, हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी होगी। टमाटर भी देखें नरम हो के अंदर मिक्स हो रहे हैं। ये कहीं भी टमाटर नज़र नहीं आएंगे वो हमने डाले भी हैं या नहीं, इस तरीके से अंदर मिक्स हो जाने हैं। और कलर देखें कितना ही अच्छा है, कितना खूबसूरत है। ये जो प्याज वगैरह ये भी मिक्स हो जाएंगे, मैश हो जाने हैं जब हमने इसको कवर करके रखना है, नरम हो के अंदर मिक्स हो जाएंगे। अब देखते हैं, माशाल्लाह हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है और गोश्त भी अच्छे तरीके से पक रहा है, नरम हो गया, गल गया तकरीबन आधा। अब हाई फ्लेम करके हमने इसको थोड़ा, ये जो पानी है इसका जलाना है, इसको अच्छी तरह पकाएं। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये जो टमाटर और प्याज है वो भी अंदर मिक्स हो जाएं। देखिए, पानी में अच्छे तरीके से पकने लग गया और हमारा टमाटर और प्याज भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर जो ऐड करने वाली हूँ वो दही है, योगर्ट तकरीबन 1 प्याली के करीब दही है। उसको मैंने अच्छे तरीके से मैश किया, मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, इसकी जो गुटड़ियाँ बनी ना, और फ्लेम को भी फुल हाई रखना है, मिक्स करते जाना है। अब हमने तकरीबन इसको 2 मिनट तक इसको पकाना। अब मैं इसको कवर करती हूँ। जो गोश्त है हमारा वो भी अच्छे तरीके से गल गया, बन गया। इसे दही डालने से इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और ये ग्रेवी भी तैयार हो जाएगी दही के साथ। अब मैं इसको कवर करती हूँ, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करती हूँ। देखिए, माशाल्लाह दही जो हमने ऐड किया था वो भी अंदर से जल गया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है, फ्लेम को फुल हाई रखना है। अब इसको भूनते हैं, घी छोड़ने तक हमने इसको भूनना है।
नीचे नहीं लगने देना, इसको मिक्स करते जाना है, चम्मच लगाते जाना है। तकरीबन 2 से 4 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें, इसको भूने। देखिए अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया, घी भी छोड़ दिया। हमारी आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और नए अंदाज में हमने तैयार की, आप भी इसी तरीके से तैयार करें। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी तकरीबन ज़ीरा आधा चम्मच का इस्तेमाल करना है, पाउडर बनाया हमने, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्च का इस्तेमाल करूंगी, इसके बाद सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल करूंगी। हमारी आज की रेसिपी तैयार हो गई है, आप भी इसी तरीके से तैयार करें। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी तैयार हुई, आज की रेसिपी तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से अपने बच्चों को अपनी फैमिली को ज़रूर तैयार करके दें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब मैं इसके साथ रोटी तैयार करूंगी, आप इसके साथ नान भी इस्तेमाल कर सकते हो, खमीरी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हमारी आज की रेसिपी। मेरा चैनल देखने वाले वर्ड ब्यूटीफुल वीडियो MHC, अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके जायकों में, आपके खानों में बरकत दे, जज़ाकअल्लाह। अब मैं इसके साथ रोटी तैयार करती हूँ। देखें आप भी इसी तरीके से रेसिपी तैयार करोगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनेगी। दरमियाने साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं, देखें माशाल्लाह पेड़े की बहुत ही अच्छी शेप बनेगी और रोटी भी इसी तरीके से गोल बनेगी। इसी तरीके से हमने दूसरा पेड़ा तैयार करना है, देखें कितनी अच्छी लुक है पेड़े की, बहुत ही अच्छा और गोल बन गया। अब हमने हाथों की मदद से इसको बेलना है। अब बेलने की मदद से बड़ा करेंगे रोटी को। अब हमने इसको बड़ा करना है, तकरीबन गोल रोटी हमारी होगी और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और मोटी और पतली कहीं से भी नहीं होगी, एक दरमियाना साइज़ होगा। देखिए कहीं से मोटी और कहीं से पतली हरगिज़ भी नहीं है। देखिए तवा हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया और रोटी की शेप देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। अब देखें साइड चेंज करनी है, बहुत ही अच्छा कलर ज़बरदस्त बना है, ब्राउन कलर। अभी कुछ ही टाइम बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब चूल्हे के ऊपर ही मैंने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है और हाई फ्लेम पे करना है, जलेबी की नहीं और इंशाल्लाह कच्ची भी नहीं रहेगी और फूलेगी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनेगी। जितनी रोटी नरम होती फूलती है उतनी मज़े की होती है, उतना अच्छा टेस्ट आता है। देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी रोटी तैयार हुई है, इसी ही तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। हाथों की मदद से हमने उंगलियों से बेल लेनी है रोटी के किनारे। अब बेलने की मदद से बड़ी करेंगे, देखें बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त और कहीं से मोटी और पतली और गिज भी नहीं है। देखें बहुत ही अच्छी रोटी हमारी नरम बनती है, इसी वजह से हमने आटा पहले तकरीबन 2 से 3 घंटे गूंध के रखा होता है, उससे रोटी फूल जाती है, बहुत ही नरम और बहुत टेस्टी बनती है। इसी तरीके से हमने दूसरी रोटी भी तैयार करनी है, ब्राउन होने तक इंतज़ार करें। अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी, बहुत ही अच्छी सख्त नरम हो गई है। अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ, बहुत ही अच्छा कलर बना है। अब मैं चूल्हे के ऊपर ही इसको अच्छे तरीके से कुक करूँगी। माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी फूल रही है हमारी रोटी, इतनी ही नरम और इतनी मज़े की टेस्टी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा है। हमारी आज की रोटी भी तैयार हो गई है, आप भी इसी तरीके से तैयार करें रेसिपी। अगली नेक्स्ट